वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए ब्लूटूथ हेडफोन आया हुआ है। ये हेडफोन कंप्लीट चालू है पर इसके दोनों साइड के स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो गाइस इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस इस पर मैं ऑलमोस्ट पहले से वीडियो बना चुका हूँ। इसके दोनों वायर को निकाल के हेडफोन के वायर को लगा के इसे रिपेयर करके मैं इस टॉपिक ऊपर काफ़ी वीडियो बना के डाला हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ नया रहेगा। आपको कोई भी हेडफोन का वायर नहीं लेना है, आपको इसी वायर को किस तरह से रिपेयर करना है, क्योंकि इसका स्पीकर क्वालिटी जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। और मार्केट में जो हेडफोन मिलता है, जो हेडफोन मैं लगा के इसे रिपेयर करता हूँ, वो जो है काफ़ी रेयर केस में मैं उसे हेडफोन को यूज करता हूँ जब उसके वायर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। लेकिन इस ब्लूटूथ हेडफोन का वायर काफ़ी अच्छा है और इसके दोनों साइड के स्पीकर में सिर्फ आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इसे किस तरह से रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं इसके वन साइड को ओपन कर लिया हूँ, जो मेन साइड होता है जहाँ पे हमारा मदरबोर्ड होता है। तो यहाँ से पहले मैं दोनों स्पीकर के वायर को जो है रिमूव कर लेता हूँ। और रिमूव करने के बाद जो है काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा वायर आपको कटिंग करना पड़ता है और इसका जो स्पीकर प्रॉब्लम रहता है ये 100% सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से जो है मैं इसकी वायर को खींच के बाहर निकाल लेता हूँ और आपको सिर्फ 1 इंच वायर को कटिंग कर देना है। कटिंग करने के लिए देख सकते हैं मैं सिर्फ 1 इंच वायर लिया हूँ। यहाँ से इसको कटिंग कर देता हूँ क्योंकि ये जो वायर जहाँ से ये अंदर की तरफ आता है वहाँ से बार बार हिलने डुलने की वजह से जो है ये स्पीकर प्रॉब्लम आता है, जिसका वायर जो है टूट जाता है, उसको जैसे जो है आवाज़ स्पीकर में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं वायर को छिल लिया हूँ और आप लोगों को बताए सिर्फ 1 इंच वायर को कटिंग करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कटिंग करना है, नहीं तो ये छोटा हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच वायर कटिंग किया हूँ और कटिंग करने के बाद वायर को छिल लिया हूँ। और छिलने के बाद जो है इस पर लगा हुआ रहता है कार्बन, तो कार्बन के लिए आपको शोल्डर आयरन से जो है इसको वायर को जो है इसके कार्बन को रिमूव करना होगा। तो किस तरह से करते हैं देख सकते हैं। इसमें जो है आपको थोड़ा सा शोल्डर आयरन को हीट करके जो है हल्का हल्का इस वायर को ऊपर स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने से क्या होता है, इसके जो कार्बन रहते हैं वो छूट जाता है और इस पर जो है शोल्डर अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। तो जो है आपको इसे सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है जहाँ से मैंने ये दोनों वायर को रिमूव किया था उसी जगह पे जो है हल्का सा मैं यहाँ पे पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर देता हूँ और ये जो स्पीकर प्रॉब्लम रहेगा ये 100% सॉल्व हो जाएगा। कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन हो जिसमें स्पीकर का प्रॉब्लम हो, ब्लूटूथ हेडफोन कंप्लीट चालू हो रहा है पर दोनों साइड के स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है या वन साइड के स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आपको सिंपल इस तरह से कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन को आप रिपेयर कर सकते हो। और उसके जो स्पीकर रहता है, क्योंकि वो ओरिजिनल रहता है, तो वो ओरिजिनल आवाज़ जो है मार्केट के हेडफोन में नहीं मिलता है, इसलिए जो है इसको ही आप रिपेयर करो तो काफ़ी इजीली रिपेयर हो जाता है। कोई इसमें हार्ड काम नहीं होता, एकदम नॉर्मल सा प्रोसेस है। सिर्फ 1 इंच वायर को आपको कटिंग करना है। तो यहाँ से जो मैंने वायर को कटिंग किया था ये ख़राब हो चुका था। इसके अंदर जो लगा रहता है ये क्लिप रहता है, ये क्लिप से क्या रहता है, वायर अगर हम खींचते हैं तो ये वायर बाहर की तरफ नहीं आता है, नहीं तो इसका जो जहाँ से आपने सोल्डिंग किया रहेगा उस जगह से जो है ये टूट जाता है। तो आपको इसको लगाना कंपलसरी होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जो है सिंपली जहाँ से ये वायर अंदर की तरफ आया हुआ है, अंदर की तरफ जो है आपको फेमिकुल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर फेमिकुल का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो है वन साइड मैंने जब इसे ओपन किया था इसमें लॉक था, तो लॉक को मैं जो है इस वायर के अंदर डाल के पकड़ से जो है इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर दूंगा। ज़्यादा तेज़ से आपको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो इसका वायर अंदर के कट जाएंगे। आपको नॉर्मल सा हल्का सा प्रेस करना है, क्योंकि ये जो क्लिप रहता है ये प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे जो है क्लिपिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये वायर जो है यहाँ से खींचने से ना निकले। तो इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई ब्लूटूथ को आप रिपेयर कर सकते हो, काफ़ी इजी होता है गाइस। आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हो या आप किसी भी शॉप पे दे के भी, आप इस प्रॉब्लम को बता के भी ये प्रॉब्लम को आप रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी इजीली होता है किसी भी ब्लूटूथ हेडफोन को
रिपेयर करना, क्योंकि अधिक करके ब्लूटूथ ख़राब हो जाता है। तो जो है ये रिपेयर भी होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है काफ़ी अलग अलग वीडियो बने हैं। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं खर्चा करना है, नॉर्मल सा खाली आपको शोल्डर आयरन चाहिए, बस उससे ही ये काम हो जाता है। आप चाहेंगे घर पे कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वन साइड को चेक कर लिया हूँ, ये कंप्लीट चालू हो चुका है। अभी सेम प्रोसेस दूसरे साइड भी आपको सेम टू सेम करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से ओपन कर रहा हूँ। आप चाकू या किसी भी नोखिले चीज़ से आप जो है इसके दो तीन यहाँ पे खाँचे रहते हैं, उस खाँचे को आपको खाली अलग अलग करना है, ये ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है, दो पार अलग अलग हो जाता है। तो अभी ये दूसरी साइड जो जहाँ पे हमारा बैटरी लगा हुआ है, क्योंकि वन साइड में हमारा मदरबोर्ड होता है, दूसरी साइड इसमें बैटरी लगा हुआ रहता है। अभी सेम टू सेम यहाँ पे भी सिर्फ एक इंच वायर को कटिंग करना है। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह का इस आपको सिर्फ एक इंच वायर को कटिंग करना है, ज़्यादा नहीं कटिंग करना, नहीं तो ये जो है छोटा हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इसे रिपेयर करके। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है इसको निकाल लेता हूँ बाहर, और यहाँ पे जो इसकी जो क्लिप है ये पूरी तरीके से सड़ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिप नहीं भी लगाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये वायर काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ से मैं दोनों वायर को निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद जो है जहाँ से मैंने वायर को ये कटिंग किया हूँ उस प्रोसेस को थोड़ा सा यहाँ पे वायर को छील लेता हूँ, और छीलने के बाद जो है इसे वापस से उसी जगह पे सोल्डिंग कर देना है कार्बन रिमूव करने के बाद। तो यहाँ पे वायर को मैं छील लिया हूँ अच्छी तरीके से। अभी जो है दोनों को एक लेबल कर देता हूँ कटिंग करके। तो देख सकते हैं गाइस, काफ़ी सिंपल होता है किसी भी ब्लूटूथ हेडफोन को रिपेयर करना। कभी भी ब्लूटूथ में जो प्रॉब्लम आता है, मदरबोर्ड में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आता है, सिर्फ ब्लूटूथ में अधिक करके जो प्रॉब्लम आता है, या चार्जिंग कनेक्टर ख़राब हो जाता है, या इसका वायर जो है ख़राब हो जाता है। तो इसका जो वायर जो पूरी तरीके से एकदम फ्रेश था, इसलिए जो है मैं इसे सिर्फ एक इंच कटिंग करके, आप चाहोगे तो आपके पास भी जो भी ब्लूटूथ हेडफोन हो, अगर स्पीकर काम नहीं कर रहा तो आपको सिर्फ एक इंच कटिंग करके वापस से उस जगह पर सोल्डिंग कर देना है, आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बता दूंगा उसे किस तरह आपको रिपेयर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दोनों साइड के कार्बन को रिमूव कर दिया हूँ, और रिमूव करने के बाद जो है ये जो हमारा, अभी मैं इसको दोनों वायर को अच्छी तरीके से ऐड के जो है इस पर शोल्डर आयरन से जो है थोड़ा सा सोल्डिंग कर दूँगा, जिससे ये अलग अलग ना होए। तो देख सकते हैं गाइस, काफ़ी सिंपल होता है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं होता। आप चाहोगे तो घर पे बैठे बैठे किसी भी ब्लूटूथ हेडफोन को आप रिपेयर कर सकते हो। तो सिर्फ आपको एक इंच वायर को कटिंग करना है, क्योंकि वायर में जो प्रॉब्लम आता है, वो जहाँ से ये वायर अंदर की तरफ आता है वहीं से जो है ये वायर बार बार मुड़ने की वजह से जो है ख़राब हो जाता है, जिसके कारण स्पीकर में आवाज़ नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने वन साइड को जो अच्छी तरीके से जो है सोल्डिंग कर दिया हूँ, अभी दूसरी साइड के वायर को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। और सोल्डिंग करने के बाद जो है इसमें जो है गाइस, जहाँ पे बैटरी रहता है वहाँ पे आपको कंपलसरी टेप मारना पड़ेगा। तो जो है मैं यहाँ पे टेप मार देता हूँ, क्योंकि टेप मारना आप ना भूलें, क्योंकि टेप से क्या रहता है, ये एक दूसरे में आपस में शॉर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं अलग अलग करके जो है आपको किसी भी टेप, कोई भी टेप आप मार दो, क्योंकि एक दूसरे से शॉर्टिंग ना हो। और इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन को आप रिपेयर कर सकते हो, जो इसकी साउंड क्वालिटी रहेगी वो पूरी तरीके से वही क्वालिटी में रहेगा जैसा ये नया आपने लिया था। अगर आप चाहोगे इसका वायर ख़राब हो जाता है तो आप मेरे जाके दूसरी वीडियो को भी देख सकते हो, वायर को किस तरह से रिप्लेसमेंट करते हैं, एक हेडफोन के वायर को किस तरह से उसमें सोल्डिंग करते हैं। तो सेम प्रोसेस रहता है गाइस, ऐसी रहता है, जिस तरह मैंने इसे रिपेयर किया हूँ उसी तरीके से जो है आपको नए वायर को सोल्डिंग कर देना है। वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।